नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन। आज की जी रेसिपी है रोटी। अगर आप एक बिगनर हैं और रोटी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो यहाँ पे रोटी घी और चीनी के साथ खाया जा रहा है। आप किसके साथ खाते हो नीचे कमेंट करके बताइए। तो सबसे पहले हम एक कुछ भी बड़े से बर्तन में 4 कप आटा को सीव कर लेंगे। वैसे आटा बहुत सारी वैरायटीज के आते हैं जिसमें आपको सीव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप आटा को सीव कर लो। तो यहाँ मैंने 4 कप आटा लिया है और इसे मैं सीव कर रही हूँ सो दैट जो भी थोड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होगी वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक, बहुत ही थोड़ा सा। थोड़ा सा नमक रोटी में एक अच्छा फ्लेवर ऐड करता है और जब आप सब्ज़ी के साथ खाते हो तो आपको बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत लोग इसे जनरली यूज़ नहीं करते, बट परफेक्ट रोटी के लिए नमक आप ज़रूर से ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बॉइलिंग वाटर, मतलब ऐसा पानी जिसमें उबाल आ रहा हो डायरेक्ट गैस से उतार के आप आटे में डाल दो। तो अगर इसका मेजरमेंट ये है कि अगर आपने 4 कप आटा लिया है तो इसमें 2 कप पानी जाएगा और इसे चम्मच की मदद से आप मिक्स कर दो, बिकॉज इसमें मैंने उबलता हुआ पानी डाला है और आप हाथ नहीं लगा सकते। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको तब तक रख दो जब तक आटा ठंडा नहीं हो जाता। जैसे ही आटा ठंडा हो जाए और आप इसमें हाथ लगा सकते हो, आप इसे हाथ से मिक्स करके गूंथना स्टार्ट करोगे। इसमें हम लोग बॉइलिंग वाटर इसलिए ऐड करते हैं सो दैट जो भी ग्लूटेन डेवलप होता है वो डेवलप ना हो और हमारा ये जो आटा यानी गेहूँ के आटे का रोटी है ये थोड़ा एक हेल्दियर वर्जन में बने। दूसरा बेनिफिट ये है कि गर्म पानी से यानी उबलता पानी डालने से रोटियां बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है और आपको ज़्यादा च्यूई नहीं होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप एक बार उबलते पानी से रोटी बना के देखिए, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। सो गाइस, अभी बिल्कुल ही गर्म गर्म पानी है और आटा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसीलिए मैं बड़े चम्मच से इसे मिक्स कर रही हूँ कुछ इस तरीके से। मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा रॉ रखा है सो दैट आपको हर एक प्रोसेस को समझने में आसानी हो। और अब इसे हम कुछ देर तक रेस्ट पे रख देंगे। थोड़ी देर बाद जब आटा ठंडा हो जाए तब इसे हम हाथ की मदद से अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़े पानी का तो आप पानी बगल में रख के उसमें हाथ डुबो के हाथ गीला कर ले एंड देन आप उसी से गूंथ ले। इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट आटा लगाने के लिए 2 कप 4 कप आटे में 2 कप पानी इनफ है। बट कुछ कुछ आटा की वैरायटीज अलग अलग होती है तो हो सकता है कि 2 कप से थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम पानी लगे। और इसे हम इस तरीके से अच्छे से गूंथ लेंगे। और अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसे कवर करके हम 10 मिनट तक साइड रख देंगे। कभी भी आप रोटी पूरी या कुछ भी बनाए तो हमेशा आटा को रेस्ट जरूर दें। 10 मिनट हो गए हैं और अब इससे हम लोई निकालेंगे, यानी छोटा छोटा डो का पोर्शन निकालेंगे, जितनी बड़ी भी आपको रोटी बनानी है उतना। सो आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पोर्शन तोड़ लिया है, इसे हाथ के मदद से हम कुछ इस तरीके से बड़े कर लेंगे और जितना बड़ा आपको रोटी चाहिए उतना पोर्शन आप निकाल लो। उसके बाद इस लोई को हाथ में लेके राउंड करना है और देन प्रेस करना है और इसी तरीके से हमें सारी लोइयां बना लेनी है। गाइस, मैं बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता रही हूँ, आप चाहे तो बहुत ही जल्दी बन सकता है, बट बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा लेंदी प्रोसेस लग रहा है। उसके बाद इसे हम बर्तन में डालेंगे और फिर रोटियां मिलना स्टार्ट करेंगे। अगर आप बर्तन लगा के अच्छे से रोटियां गोल गोल धीरे धीरे बेलेंगे तो आपका रोटी गोल प्रॉपर शेप में बनके तैयार होगा।
वैसे मैं एक सच बात बताऊं तो रोटी बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे रोटी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छे से कुक हुआ बहुत ज़्यादा पसंद है। सो उसके बाद हम एक तवे पे इसे डाल देंगे। मैंने यहाँ पे नॉनस्टिक तवा लिया है, आप लोहे की तवा ले सकते हैं, उस पर रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है। और एक तरफ पे जैसे ही इसमें बबल्स आने लगे तब हम इसे पलट लेंगे। रोटियों को दो तरीके से फुलाया जाता है, एक तवे पे और एक गैस पे। मैं रोटी तवे पे ही आज फुला के दिखाऊंगी आपको। और इसके बाद हम इसे कुछ इस तरीके से पलट लेंगे और आप देख सकते हो गाइस कि हम कोना कोना प्रेस कर रहे हैं और रोटी फूलना स्टार्ट हो गया। सो ये अच्छे से फूल गया है कोना कोना प्रेस करने के बाद। अब मैं इसे मिडिल में प्रेस करके दबा दूंगी और फिर इसे निकाल लूंगी। और इसी तरीके से हम सारी की सारी रोटियां बना के तैयार कर लेंगे। अब आप चाहे तो इसमें घी नमक डाल के खाएं, या फिर घी नमक चीनी खाएं, घी और चीनी खाएं, या फिर किसी सब्जी के साथ डालें। मैंने यहाँ पे बनाया है मशरूम मसाला, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी अभी अपलोड की है। और इसके साथ इट्स यम। सो गाइस मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल ऑन किया है और मेरी वीडियो को लाइक किया है और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी किया है। और नीचे कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।